के आंसर्स हैं मिस्टर सुबोध कुमार जयसवाल जी हैं ये नए डायरेक्टर बने हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मिस्टर शिव शंकर मैनन है इनकी किताब है इंडिया एंड एशियान जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रजेंट नेहरू तिब्बत एंड चाइना लिखा है मिस्टर अवतार सिंह बसन ने गुरु नानक जी के नाम पर गुरु पूरब होता है ये सेलिब्रेशन है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी उड़ीसा का है पट्टचित्र और वेसक दिवस वेसक दिवस बुद्ध पूर्णिमा ये सेलिब्रेशन होता है बुद्धा के बर्थडे का और कुछ बुद्धिस्त इसको मार्क करते हैं एनलाइटनमेंट वेन ही डिस्कवर्ड लाइव्स मीनिंग बुद्धा को बुद्धिज्म जब वो गौतम बुद्धा बने थे गौतम से बुद्धिज्म बने थे इट इज ऑल्सो अ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन हिस टीचिंग्स वॉट इट मीन टू बी अ बुद्धिस्ट तो इन सब का जो समरी है दैट इज दिस बेसक दिवस आज के सवाल है नसीम अल बहर एक बाइलेट्रल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया क्या है उसका नाम क्या है प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस वन टू थ्री टू वन थ्री उसको विद्रॉ भी कर सकते हैं बट किसकी एडवाइस से प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से प्रोमोलगेट या विड्रॉ करते हैं ऑर्डिनेंस टाउन प्लानिंग कमेटी होती है ये किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जी कमेटी आई थी नाइनटीन फोर्टी में इट वॉज रिलेटेड टू वॉट विच मेजोरिटी कौन सी मेजॉरिटी ज़रूरत है

रिफ्यूट करना मतलब किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया आप उसको रिफ्यूट कर रहे हो चैलेंज कर रहे हो उसको डिसप्रूव कर रहे हो गलत साबित कर रहे हो रेमिफिकेशन रेमिफिकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ट्रिवियल ट्रिवियल मैटर है मतलब अनइम्पॉर्टेंट है स्मॉल है वर्थलेस है तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सो दीज आर सम वोकेबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पोर्टेंट वर्ड

आई हैदराबाद ने ब्लैक फंगस के लिए एक ओरल सोल्यूशन डेवलप किया है नो आई पी आर आई पी आर उसमें नहीं होगा ऐसे बहुत अच्छे यहाँ पे विजुअल्स आ रहे हैं फीडिंग द नीडी कलेक्टिव एफर्ट यूएस विल सून डिसाइड ऑन वैक्सीन इशू मिस्टर जयशंकर अभी यूएसए में है मीटिंग कोस्ट गार्ड को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है ये बात करेंगे हम कोस्ट गार्ड देयर ड्यूटी एंड रुस्तम जी कमेटी दिस इज़ पी एम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन कल हमने एक आर्टिकल देखा था प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन बहुत सारे चिल्ड्रेन अभी डिस्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ कोविड तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर स्टेपअप किया है और ये सारे प्रोग्राम एंड दीज स्कीम्स आर ब्रॉड टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन देन एट द हेल्प कोविन डेटा राशन टू सेक्स वर्कर्स गुहाटी हाईकोर्ट ने कहा यह है सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम लेफ्टिनेंट निकिता कौल This is Vietnam detects new hybrid variant. Goal of vaccination. Science and technology snapshot. Diversity कम हो रही है वेस्टन हिमालय में बर्ड स्पीशीज की. Then this is Niyanderthal zero survey का लर्निंग WhatsApp का टसल सास कोवू टू. ये है लक्षद्वीप आइलैंड. आज इसकी थोड़ी और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री देखते हैं. Then these are certain headlines और ये है French Open. आज हिंदी में हम जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में ये सी सेट के सोल्यूशन हैं और ये कुछ सवाल हैं सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉटेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू दिल्ली एडिशन आज संडे है आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एफ ए क्यू एटसेट्रा आता है संडे का जो न्यूज़पेपर होता है ना वो बड़ा एनरिच्ड होता है इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए नाउ इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम कम्प्लीट्स 25 फाइव ईयर्स आगे देखते हैं देन दिस इज बी ने डिसाइड किया है आई जो बचा था ट्रंकेट हो गया था सेशन कोविड के कारण तो जो रिमेनिंग सेशन है सेप्टेम्बर अक्टूबर के विंडो में यू में होगा ये फर्स्ट न्यूज़ है रिपल्स फ्रॉम यास यास साइक्लोन आया विंडस आई इनंडेशन हुआ स्टॉम सर्ज हुआ और डिस्ट्रक्शन हुआ डिस्ट्रक्शन ह्यूमन लाइफ्स का भी हुआ मैन मेड स्ट्रक्चर का भी हुआ और नेचुरल जो है एकको सिस्टम उसका भी डिस्ट्रक्शन हुआ सर्जिंग टाइड्स टाइड्स आते हैं ज्वार भाटा बट जब स्टॉम्स आता है साइक्लॉन्स आता है तो इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है तो ज़्यादा वाटर इनंडेट होता है तो इन्होंने डिवास्टेट किया है सुंदर बंस जैसे लास्ट ईयर भी अम्फन आया था तब हमने सेम स्टोरी देखा था जो सॉइल है वहाँ पे सेलिनाइजेशन हो गया कोस्टल लैंड में और उसके कारण फिर ये सेलाइन राइस और ऐसी दूसरी वैराइटीज़ वहाँ पे ग्रो करने का ट्राई कर रहे थे केरला से इम्पोर्ट किया था रिमेंबर नाउ अब वापस बात है यास की आज का जो डिस्कशन है वो हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सुंदर बंस में सुंदर बंस ये जो होते हैं ना ये प्रोटेक्टेड एरिया है ये पूरा बना है डेल्टा डेल्टा क्या होता है ये गंगा रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है दोनों बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स ला रही हैं ये जो सेडिमेंट्स हैं जब माउथ पे पहुंचती है मतलब सी पे पहुंचती है तो जो सेडिमेंट्स हैं सेडिमेंट्स मतलब गाद मिट्टी ये पूरा मिट्टी यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट करने लग जाएगी तो वेव ऐसे आएगी उसको हटाएगी और रिवर्स ऐसे लाएगी और मिट्टी डिपॉजिट करेगी जिसका फोर्स स्ट्रांग होगा वो डोमिनेट करेगा तो ज़्यादा मिट्टी आ रही है तो यहाँ पर ऐसे आउटवर्ड ऐसे नई लैंड बनने लग जाती है जिसको बोलते हैं दिस डेल्टा सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा ये कुछ पार्ट ये जो लाइन है ये कुछ पार्ट इंडिया में है सुंदरबन नेशनल पार्क और कुछ एक बड़ा पार्ट बांग्लादेश में सुंदरबन अब इसका नाम सुंदर क्यों पड़ा सुंदर इसलिए पड़ा बिकॉज यहाँ पे मैनग्रोव्स होते हैं सुंदरी ट्री होते हैं और उन ट्री के नाम पे बंगाली व को ब बोलते हैं तो सुंदर वन को सुंदर बन हो गया ये सुंदर बन तो दिस इज सुंदर बन अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा पिछले कुछ टाइम से साइक्लोन का डिज़ास्टर्स भी बहुत आ रहे हैं और साथ ही साथ इनकी इंटेंसिटी भी बहुत बढ़ रही है जैसे फणी आया था 2019 में बुलबुल बुल 2019 अम्फन लास्ट ईयर मे में और यास इस बार मे 2021 में स्टॉम सर्ज क्या होता है जैसे ये समुद्र है, हवा आ रही है वो पानी को ड्रैग करके ऐसे अंदर की तरफ इनन्डेट करेगी लैंड एरिया में तो स्टॉम सर्ज हुआ दो मीटर अबव द एस्ट्रोनॉमिकल टाइड लेवल कल हमने कुछ ही दिन पहले मून भी देखा था ग्रेविटेशनल पुल सन एंड मून नीप टाइड स्प्रिंग टाइड तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइडल लेवल है उससे भी दो मीटर ऊपर बिकॉज ऑफ साइक्लोन स्टॉम सर्ज हुआ वाटर रिवर में आया बेस स्वेल हुआ ड्यू टू फुल मून टाइड और फुल मून भी था तो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है यहाँ की आसपास के इकोसिस्टम को बिकॉज सी का वाटर सेलाइन होता है तो ये नए चैलेंजेस आए हैं सुंदरबंश में विच इज़ होम टू क्लोज टू फाइव मिलियन पीपल हैज़ बीन बैटर्ड बाय फोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लाइफ इकोलॉजी स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज यहाँ पे डैमेज हुआ है अब सी सुंदरबंश को देखते हैं ये जो ट्रीज़ है ना ये ऐसे ट्रीज जो होते हैं ये होते हैं दिस सुंदरी ट्रीज दीज आर मैनग्रोव इनमें देखिए काफ़ी परफोरेटेड होता है ऐसे यहाँ पे तो जब सुनामी वगैरह भी आती है ना तो ये एक्ट एज अ गुड बैरियर सुनामी के इम्पैक्ट को डैम्पन कर देते हैं रिड्यूस कर देते हैं सुंदरबन लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, है वर्ल्ड का इतने स्क्वायर किलोमीटर का है डेल्टा है बांग्लादेश सिक्सटी परसेंट ऑफ इंडिया टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सुंदरबंस में मिलते हैं ये कुछ इस टाइप के होते हैं सेवेंटी एट स्पीशीज़ हैं मैनग्रोव की सुंदरबंस एरिया में रिचेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है मैनग्रोव्स ये जो इन्फोग्राफिक्स है ना ये मैंने लिए हैं एम ओ ई एफ एफ सी सी से दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सींग कि ट्विटर में ये जो गवर्नमेंट हैंडल्स होते हैं बहुत अच्छा फर्स्ट हैंड यहाँ पे इंफॉमेसन मिलता है जैसे इंडियन मैनग्रोव इको सिस्टम है इतनी फोनल स्पीशीज़ है इतने प्रोटोजोआ है इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट देर इज सो मच ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पे रह रहे हैं मैनग्रोव्स जो होते हैं वो ओवरऑल गुड होते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए इकोसिस्टम के लिए ग्रेट सर्विस देते हैं जैसे प्रोविजनिंग का देखें तो वो देते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज लकड़ी मिलती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल फूड फ्यूल टेनिस एंड रेजिन ऑर्नामेंटल फॉर्डर तो दिस इज फॉरेस्ट रिसोर्स फिशरीज़ होता है फिश श्रम ये सारी मछली मिलती है जेनेटिक रिसोर्स का एक बहुत बड़ा पूल है वाइल्ड स्पीशीज़ है बहुत डाइवर्सिटी है ब्रीडिंग हो रही है बायोटेक का अपॉर्चुनिटी है मैनग्रोव्स में देन बायोकेमिकल मेडिसिन भी हैं कमर्शियल ट्रेडिशनल फ्रूट्स बाग्स वगैरह सब उनका यूज होता है तो ये तो हुआ प्रोविजनिंग दूसरा इनका सर्विस होता है रेगुलेटिंग जैसे कि कार्बन स्टोरेज है कार्बन सिक्विस्टरेशन हो रहा है कार्बन सिक्विस्टरेशन ब्लू कार्बन तो इससे क्या होता है एटमॉस्फेयर की जो सीओ है वो कम होगी ग्रीन हाउस लेवल ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हेल्प मिलेगा कोस्टल प्रोटेक्शन होता है मैनग्रूव होते हैं वो फ्लड को रेगुलेट करते हैं बाढ़ को इरोजन जो होता है सॉइल इरोजन उसको फ्लड को सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं स्टॉम्स फ्लड सुनामी इससे प्रोटेक्शन देते हैं वेव वटिन्यूएशन स्टेबिलाइजेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी का अपरदन इरोजन कंट्रोल होता है वाटर को रेगुलेट करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करते हैं बायो फिल्टरेशन भी करते हैं पॉलिटिन वगैरह को अलग करेंगे बायो फिल्टरेशन तो ये था रेगुलेटिंग फिर सपोर्टिंग में क्या क्या होता है न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती है उसके रिसाइकलिंग में हेल्प होता है ये भी मैं हाई रिजोल्यूशन अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा हैव अ लुक ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना दे आर ऑल इंपॉर्टेंट मैनग्रोव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो न्यूट्रिय साइकिलिंग है सॉइल स्टेबिलाईजेशन है प्राइमरी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है प्रोविजन ऑफ हैबिटेट बन रहा है कल्चरल देखें तो एस्थेटिक्स की काफ़ी वैल्यू है यहाँ पे सीनरी लैंडस्केप एजुकेशनल पर्पज़ है रिक्रिएशनल पर्पज़ है टूरिज्म एट्सट्रा हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल भी इसका मैटर है तो ये क्या हुए मैनग्रूव्स गुड गुड्स एंड एकको सिस्टम सर्विसज प्रोविजनिंग रेगुलेशन सपोर्टिंग कल्चरल ये तरीका होता है जो हमें यूजली सीखना चाहिए बोलते वक्त लिखते वक्त क्लासीफाई करें हेडिंग्स सब हैडिंग्स ये एक हैडिंग हुआ इसमें तीन सब हैडिंग्स लिख दिए एक हेडिंग थर्ड हैडिंग फोर्थ हैच वन इज़ हैविंग फर्दर सब हैडिंग्स दिस इज़ द वे ओके सो ये मैं शेयर करूंगा हैवे अ लोक इसको देखना है इसके अलावा भी एन सी आर टी में भी लिखा हुआ है प्रिपेयर अ नोट इसका इवन विकीपीडिया पेज भी आप देखना मैनग्रूव इको सिस्टम का एक्सलेंट कंटेंट है डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड अर्जेंट नेसेसिटी फॉर इट्स कन्वर कंजर्वेशन पिछले कुछ टाइम से मैनग्रूव जो हैं वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है कंजर्वेशन ज़रूरी है तो ये आज का एक ही सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हाई एल्डिंग सवाल है इसको अच्छे से देखना है प्रिलिम्स मीन दोनों में इंपॉर्टेंट है सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे अब जो नेक्स्ट है वो है ये एक मिनिस्ट्री बन रहा है यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बन रहा है जो कोविड एसेंशियल हैं उस पर ये देखेगा कि जीएसटी रिलीफ किस किस को मिले कोविड रिलीफ मटेरियल को इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स को ये सब क्रिटिकल डिसीजन अभी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे न्यू केसेस डिप हुए 1.6 लाख रिलीफ मिला है 24 फोर आवर साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है ये डेली स्ट्रगल है नेवर एंडिंग लाइंस माइग्रेंट वर्कर्स होमलेस पीपल क्यूइंग अप फ्री फूड पैकेट्स वॉलेंटियर से ऐसे नई दिल्ली में दिस इज डेली स्ट्रगल फीडिंग द नीडी अपसी हम हमेशा ये बात करते हैं हमें इंडिविजुअलिज्म को इतना प्रमोट नहीं करना है हमें कलेक्टिविज्म को प्रमोट करना है कलेक्टिविज्म बिकॉज ऐसी जो पेंडेमिक आती है ना इसमें कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता बट अगर हम सब आपस में मिल जाए सब अपना स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स दें तो कलेक्टिवली जो होता है ना हम बहुत अच्छे से यहाँ पे फाइट कर सकते हैं कोविड नाइन्टीन को तो सी दिस इज सच गुड विजुअल्स। सब लोग अपनी जितनी भी कैपेसिटी है गुड इंटेंशन से दे आर ट्राइंग टू डू देअर पार्ट दे आर ट्राइंग टू डू देअर ड्यूटी विच इज़ एक्सेलेंट यहाँ पे फूड नॉट ओनली फूड देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू जो बन रहा है आप सपोर्ट कर सकते हो यू कैन टॉक यू कैन स्प्रेड फेक न्यूज से लड़ने में आप हेल्प कर सकते हो देर आर सो मेनी थिंग्स फीडिंग द नीडी सो इट इज ऑल अबाउट कलेक्टिव एफर्ट्स कलेक्टिव एफर्ट्स और कलेक्टिव एफर्ट्स से ही हम कोविड नाइन्टीन जैसे पैंडेमिक से फाइट कर सकते हैं अदरवाइज किसी एक के बस की बात नहीं है आई आई टी हैदराबाद डेवलप्स ओरल सोल्यूशन फॉर ब्लैक फंगस अब कोविड नाइन्टीन के ट्रीटमेंट में देखा गया कि स्टेरॉइड्स लग रहे हैं या फिर डायबिटिक चीज़ है तो उस केस में कुछ पेशेंट्स में ये म्यूकोमाइकोसिस ब्लैक फंगस के केसेस आए इसकी मेडिसन्स जो थी वो काफ़ी कॉस्टली थी और सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थी तो आईआईटी हैदराबाद ने उसका एक ऑल्टरनेट ऐसा सोल्यूशन निकाला अभी तक जो ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट था वो हम इसको काला अज़र मान के ट्रीट कर रहे थे ब्लैक फंगस को और ये थोड़ा इफ़ेक्टिव भी था बट जो मेडिसिन है उसकी शॉर्टेज है तो ये अफोर्डेबल मेडिसिन लेके आए सी ओरल नैनो फाइब्रस अमोफो टेरिसिन बी ये इफेक्टिव काला अजर के लिए है इसी से मिलता जुलता ये एक यहाँ पे केमिकल फॉर्म किया है इन्होंने और द गुड थिंग इज गुड थिंग इज ये जो केमिकल इन्होंने बनाया ड्रग बनाया इसको दूर रखा है इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से आईपीआर क्लेम नहीं कर रहा है यहाँ पे दिस दिस आईआईटी हैदराबाद और साथ ही साथ ये जो टैबलेट्स है इसको फ्रीली देगा इसका जो फॉर्मुलेशन है सो दैट मास स्केल में इसका प्रोडक्शन हो पाए और एक और अच्छी बात है कि ये अफोर्डेबल है सिक्सटी एम की टैबलेट दो सौ रुपए की है सो दिस इज अफोर्डेबल दिस इज इन्वेंशन इन्वेंशन ट्रू इन्वेंशन ट्रू प्रोग्रेस ट्रू इंजीनियरिंग दिस इज वॉट इट इज ओके तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग आई पी आर से दूर रखा है बिकॉज जो ऐसे पब्लिक गुड्स हैं उसमें आईपीआर वगैरह नहीं होना चाहिए कल ही हमने ये सवाल देखा था कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म एक्सट्रीम कैपिटलिज्म नो एवरीथिंग इज नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एवरीथिंग इज नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस ओके नाउ दिस इज़ यूएस विल सून डिसाइड ऑन वैक्सीन इशू मिस्टर जयशंकर साहब अभी यूएस में गए यूएस में बात हुआ क्वाड से रिलेटेड यूएस में बात हुआ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यूएस में बात हुआ जो अभी जोग्राफिकल चैलेंजेस आ रहे हैं अफगानिस्तान से यूएस पुल आउट फोर्सेस पुल आउट होने के बाद साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैक्सीन का इशू यूएस के पास सरप्लस वैक्सीनेशन है तो कोवैक्स अलायंस के थ्रू क्या वो डाइवर्ट की जा सकती है इंडिया में एस्ट्राजेनेका इसके अलावा फ़ाइजर मॉडर्ना जो है बायोएनटेक की ये वैक्सीनेशन भी क्या इंडिया में मास स्केल प्रोड्यूस की जा सकती है सो बी टॉक्स आर गोइंग ऑन ये चीज का पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए रेगुलेटरी लीगल कमर्शियल सप्लाई साइड एस्पेक्ट्स डिस्कशन हुआ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये कहा सी जब मैं ये बोलता हूँ ना कि हमें ई एम का स्टेटमेंट फॉलो करना है तो आई आई मेन दिस कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऐसे ऑफिशियल बोलता है कि मिस्टर जयशंकर साहब गए उन्होंने रेगुलेटरी बात किया लीगल बात किया कमर्शियल एंड सप्लाई साइड एस्पेक्ट वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट का तो दिस इज द वे अब जो नेक्स्ट है वो है कोस्ट गार्ड का कोस्ट गार्ड विल गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था कोस्ट गार्ड वर्सेज नेवी नेवी का क्या काम होता है कोस्ट गार्ड का क्या काम होता है हमने अंकलॉज भी पढ़े थे अंक्लॉज कब पढ़े थे अंक्लॉज हमने पढ़े थे जब हम यूएस ने लक्षद्वीप के आसपास से एक पैसेज एक्सरसाइज किया था और उसका इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया था यूएस ने अनक्लॉज साइन नहीं किए इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने ये मिलिट्री कैरियर कैसे पास कराया विदाउट अवर परमिशन बिकॉज अनक्लॉज में हम देखते हैं दिस ये जो एरियाज डिसाइड होते हैं टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक तो यहाँ पे ऑल दो जो है एक्सक्लूसिव एरिया है वहाँ पर फ्री पैसेज हो सकता है बट विद परमिशन इस बात पे इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया था तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा कोस्ट गार्ड और नेवी सी इफ़ आई जस्ट गो थ्रू दिस न्यूज पेपर जस्ट लाइक दैट तो इससे तो मैं बहुत जल्दी सुबह न्यूज़ पेपर ला भी सकता हूँ बट द पॉइंट इज वो एक्सरसाइज ना फ्यूटाइल होगी फ्यूटाइल क्यों होगी जैसे आपने कोस्ट गार्ड वाला ये टॉपिक देखा बट अगर आपने न्यूज पेपर अलॉन्ग विद नोट्स देखा है तो इमीजिएटली यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर डे का न्यूज़ पेपर वीडियो आपने देखा है केवल अगर आप नोट्स को एक ब्रीफ ग्लैंस भी देंगे ना सब याद आ जाएगा दिस इज द रीज़न वरना अगर हम ऐसे ही रैंडमली वीडियोस देखते रहते हैं उसका कोई रिवीजन नहीं है उसका कोई नोट्स नहीं है तो वो आगे पार्ट पीछे सपाट है वो स्टे नहीं करना है मेमोरी में, में आज से छः महीने पहले आपने कोई वीडियो देखा था आप उसको याद नहीं कर पाओगे बट अगर आपने उसके नोट्स देखे हैं यू वुड रिमेंबर रिटेंशन ज़्यादा होगा दिस इज वाई नेक्स्ट डे आई शेयर दिस पी डी एफ और अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे चैनल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे सारे जितने भी नोट्स हैं ना सब आई हैव पोस्टेड ओवर देयर और वेबसाइट में भी हाई रेजोल्यूशन नोट्स की पिक्स डाली है तो अगर आप क्विकली उसको ग्लैंस भी करेंगे ना स्वाइप भी करेंगे फाइव मिनट्स टेन मिनट्स चीज़ें मेमोरी में रहेगी रिटेंशन में रहेगा वर ट्रस्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं ना करंट अफेयर्स में भूलना बहुत ज़्यादा होता है तो भूलना नहीं है कंसोलिडेट करना है रिवाइज करना है कोस्ट गार्ड विल गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी डोवल कमीशन ओ पी वी सजग का अभी यहाँ पे कमीशन हुआ व्हाट इज सजग ऑफशोर पेट्रोल वेसल है सी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है अब सी हमने अनक्लॉज पढ़ा है है ना अनक्लॉज पे आपने बड़े अच्छे नोट्स भी बनाए ये जो कोस्ट है हमारी तो जो कोस्टल एरिया है इमीडिएट जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे प्राइमरीली एक्ट करता है कोस्टल गार्ड और जो नेवी होती है ना नेवी इज मोर लाइक अ कंप्लीट यूनिट फाइटिंग नेवी कुछ भी कर सकती है एक ब्रॉडर मैंडेट होता है बट नेवी मोस्टली ये जो आउटर सी है यहाँ पे काम करती है इट्स नॉट अ रूल बट इन जनरल और कोस्ट गार्ड का जो मैंडेट होता है वो नियर अबाउट कोस्ट होता है कोस्ट गार्ड का काम होता है एंटी स्मगलिंग एक्टिविटी को चेक करना एंटी नार्कोटिक्स को देखना 1971 में ये कोस्ट गार्ड का कॉन्सेप्ट आया था रुस्तम जी कमेटी थी रुस्तम जी कमेटी और फिर अंकलॉज आए नाइनटीन में इन दोनों ने ब्लू तैयार किया दिस कोस्ट गार्ड का तो कोस्ट गार्ड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोस्ट गार्ड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है कोस्ट गार्ड प्लस नेवी ये फोर्स मल्टीप्लायर होता है तो द पॉइंट इज कोस्ट गार्ड्स को जैसे ये पेट्रोलिंग व्हीकल दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको और थोड़ा मैंडेट दें इनको और ज़्यादा स्ट्रेंदन करें देन दिस इज वेन नेहरू वॉन्टेड ग्लोब ट्रॉटर डिप्लोमेट्स फॉरन डिप्लोमेसी फॉरन पॉलिसी टेन लैक कॉर्पस फंड फॉर एवरी चाइल्ड ऑर्फन बाय कोविड नाइनटीन नाउ दिस इज वेरी वेरी पेनफुल न्यूज जो अभी बहुत आ रही है लार्ज स्केल में कि बच्चे छोटे हैं फाइव टेन फिफ्टीन ईयर के हैं एंड पेरेंट्स थर्टीज फोर्टीज में थे फिफ्टीज में थे दे आर गॉन अब ऑल ऑफ अ सडन दीज किड्स आर ऑरफन तो इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है तो गवर्नमेंट ने अभी पी एम केयर्स से ये लॉन्च किया सपोर्ट एम्पावरमेंट ऑफ कोविड नाइनटीन अफेक्टेड चिल्ड्रेन गवर्नमेंट स्टैंड करेगी चिल्ड्रन हु लॉस देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड नाइन्टीन मंथली स्टैपन मिलेगा वंस दे टर्न एटीन एक दस लाख का फंड भी मिलेगा उन्हें जब वो ट्वेंटी थ्री होंगे पीएम केयर्स के थ्रू फ्री एजुकेशन उनको दी जाएगी एजुकेशन लोन लेना है हायर एजुकेशन मतलब एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए कल ही हमने देखा फूड शेल्टर क्लोथ गाइडेंस पेरेंटिंग गार्डियनशिप दीज थिंग्स वी आर वी शुड प्रोवाइड दैम एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है पाँच लाख का आयुष्मान भारत में और साथ ही साथ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर ऑफ द कंट्री सो वी शुड डू एवरी थिंग टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ये हमारी ड्यूटी है एज अ सोसाइटी टू केयर फॉर अवर चिल्ड्रन एंड इंस्टिल होप फॉर अ ब्राइट फ्यूचर इंस्टिल होप फॉर अ ब्राइट फ्यूचर तो ये बात है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में इनको अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको आइडेंटिफाई करेगा ऐसे ऑर्फन जो केसेस आए हैं सैनिक स्कूल और नवोदय ये जो दोनों स्कूल होते हैं ना दे आर ऑल्सो वेरी ऑसम ये रेसिडेंशियल होते हैं सैनिक स्कूल एंड नवोदय केंद्रीय विद्यालय भी ले भी रहेगा आयुष्मान भारत से इंश्योरेंस में मिलेगा सो ये भी प्रलिन में नरी न्यूज़ आई है कि पीएम केयर्स में ऐसा दिया जाएगा और सोसाइटी एज अ कलेक्टिव हम यहाँ पे ख्याल रखेंगे सच केसेस का इसको भी हम फिर और एक दो दिन में और डिटेल में देखते हैं इस पर एक एडिटोरियल भी आएगा डेटा शो राइज इन वैक्सीनेशन वेरी गुड एट सी कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कलेक्टिव एफर्ट ये क्या है ये स्टीयरिंग रिलीफ ये वॉलेंटियर्स हैं। कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के ये क्या है एन है ये प्रिपेयर कर रहे हैं पैकेट्स ऑफ फूड्स एंड ड्राई राशन जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग बोटमैन और जो हाउस बोट्स हैं डल लेक में डल लेक इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पे ऐसे हाउस बोट्स होते हैं इन हाउस बोट्स को क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर नाम है आंसर हाउस बोट्स ऑन द डल लेक टूरिज्म यहाँ का मेन स्टे है तो अब कोविड हुआ तो टूरिज़्म भी इम्पैक्ट हो रहा है तो देट इज़ वाई उनके रिलीफ के लिए ये कलेक्टिव यहाँ पे एफर्ट्स हो रहे हैं देन प्रोवाइड राशन टू सेक्स वर्कर्स गुवाहाटी हाई कोर्ट Human और यहाँ पर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का गवर्नमेंट का मैंडेट है बिकॉज कोविड नाइनटीन का इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिला है देन दिस इज डेजलिंग द स्काई सूर्यकिरण एरो डिस्प्ले टीम कंप्लीट ट्वेंटी फाइव ईयर्स ये है सूर्य किरण एरो टीम फ्लाइंग ओवर चेन्नई टू कॉमोमरेट फिफ्टी ईयर्स ऑफ द नाइनटीन सेवेंटी वन लिब्रेशन वॉर ऑफ़ बांग्लादेश ये जो एयरफोर्स होती है ना एयरफोर्स का भी बहुत वाइड मैंडेट होता है एयरफोर्स में जैसे जैसे अगर आप जाते हो तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी प्रा प्रेफरेंस क्या है आप लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हो आप टेक्निकल में जाना चाहते हो आप एविएशन में जाना चाहते हो तो जो एविएशन में जाते हैं उनका टेस्ट होता है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट पी ए बी टी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है इसको एक ही बार आप दे सकते हो क्वालिफाई अगर आप पी करते हो तो फिर आप एविएशन के लिए फिट डिक्लेयर होते हो बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है ये अब पी में भी अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो एविएशन की भी ना कैटेगरी होती है कि एविएशन में से आप ट्रांसपोर्टेशन वाला एविएशन देख रहे हो या फिर आप लॉजिस्टिक्स वाला कोई एविएशन देख रहे हो या फिर आप फाइटर जेट्स और ये जो है ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे भी टीयर्स होते हैं तो ऐसे ही एक काम होता है एरोबैटिक डिस्प्ले का जैसे एयर शो वगैरह होता है तो वहां पर ये सूर्य किरण एरो टीम होती है यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया अभी देन दिस इज लेफ्टिनेंट निकिता कॉल वाइफ ऑफ ऑफिसर पुलवामा ज्वाइंट आर्मी स्पिरिट ऑफ आर्मी देन दिस इज वियतनाम डिटेक्ट्स अभी एक नया टेंशन आ रहा है न्यू हाइब्रिड वेरियंट आया है जो और ज्यादा लीथल है और बहुत क्विकली स्प्रेड होता है चाइनीज सिटी लॉक्सडाउन एरिया अमिट वायरस सर्ज और कैपिटल राइट right का प्रूब ट्विटर एंड दिस इज लुका शेंको यूएस इट्स बेलारस इन्होंने प्लेन ही यहाँ पे जबरदस्ती लैंड कराया था आगे इसका एफ में आर्टिकल है श्रीलंका मेरीन डिजास्टर आफ्टर शिप फायर फिलिपिन्स तो ये दिस पेज है अब हम आते हैं साइंस एंड टेक में फर्स्ट है बीट डिप्रेशन कल ही हमने देखा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ये जो डिप्रेशन जैसी चीज़ें ना इसका एक बड़ा ट्रिक है इससे हटने का गेट बिजी गेट बिजी इन प्रोडक्टिव वर्क बी नाइस बी काइंड वेन यू आर काइंड टू अदर्स यू आर सुपर काइंड टू योर सेल्फ इट रियली हेल्प्स और फिजिकल एक्टिविटी भी जब अप होती है तो इट रियली हेल्प्स टू बीट डिप्रेशन यहाँ एक थ्योरी है कि जो लोग सुबह उठते हैं जैसे यू एस मेरीन भी है चार बजे उठना है सुबह आर्म फोर्सेज में भी यूजली देखना सब लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है तो दिस रियली हेल्प्स अर्ली मॉर्निंग जो होता है बिकॉज सन का जो सुबह का रहता है काफ़ी ठंडा रहता है सनराइज अगर आप देखो तो बहुत पॉजिटिविटी होती है समटाइम्स बैक आई टुक दिस चैलेंज की एवरी डे आई वेकअप अर्ली और जब सन हो रहा है तो एग्जैक्टली exactly उसका मैं एक फोटो लूंगा आई डिड इट फॉर ओवर अ मंथ इट रियली हेल्प्स ये काफ़ी अच्छा है सो बी डिप्रेशन में ये बात है कि आप यहाँ पे दिस गेट बिजी अर्ली हो तो हेल्प मिल सकती है ये डार्क फिलामेंट्स हैं इसमें भी रेगुलर टॉक्स है जैसे ये हम हैं ये हमारा इंडिया है इंडिया से ऊपर ये एशिया है एशिया से ऊपर फिर ये हमारी अर्थ है अर्थ से ऊपर फिर ये हमारा सोलर सिस्टम है सोलर सिस्टम से ऊपर ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ऐसी एक मिल्की वे गैलेक्सी है ऐसे मिलियंस ऑफ सन्स हैं और जैसी ये एक मिल्की वे गैलेक्सी है ऐसी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज भी हैं तो इमेजिन वर्ल्ड कितना बड़ा है अब ये जो गैलेक्सीज़ हैं इनमें भी अभी कुछ और भी मटेरियल है बिकॉज यूनिवर्स अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, है बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं है एक थ्योरी है कि इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म भी पॉसिबिली हो सकता है जिसको हम एलियन बोलते हैं तो देर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी तो एक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल है उसने बताया डार्क मैटर फिलामेंट्स हैं ऐसे मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज को कनेक्ट करने में देअर समथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट तो दिस इज़ वन थ्योरी ये जो दूसरा आर्टिकल है वो है गोल ऑफ वैक्सीन इज टू प्रिवेंट सीवियर डिजीज एंड डेथ वैक्सीनेशन लगाने के बाद अगर कोविड हो भी जाए तो वो माइल्ड होगा सीवियर डिजीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं आएगी तो गो गेट वैक्सीनेटेड आई मंडी ने रिसर्चर्स रिवील की सार्स कोव टू प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्होंने एक ऐसा नया फाइंडिंग किया ये इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी नेचर को डाइवर्सिटी पसंद है हम जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उसका क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन ने मोनोकल्चर को प्रमोट किया कि केवल राइस है तो राइस ही राइस है वीट है तो व्हीट ही वीट है नो दिस इज रॉन्ग डाइवर्सिटी हैज़ टू बी देयर तो जब ब्रिटिशर्स आए तो इनको चाहिए होता था टिम्बर टिम्बर जैसे साल का चाहिए या फिर सागौन चाहिए टीक चाहिए तो इन्होंने क्या किया हमारे फॉरेस्ट का कैरेक्ट्रिस्टिक चेंज करना चालू कर दिया जो फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी थी उसको ये क्लीन करते थे और वहाँ पे लगाते थे प्लांटेशन प्लांटेशन मतलब पूरा जंगल ही बदल गया पूरा जंगल पहले डाइवर्सिटी होती थी अब पूरे जंगल में मोनोकल्चर हो गया टीक है तो टीक ही टीक है साल है तो साल ही साल है दिस इज रॉन्ग इससे जो हैबिटेट होती है वो लॉस होती है और यही रीज़न है डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट बर्ड स्पीशीज़ इन वेस्टर्न हिमालय फिर नॉन नेटिव स्पीशीज का भी यहाँ पे इन्वेजन हुआ रिमेंबर कुछ ही दिन पहले हमने टर्टल का एक न्यूज़ देखा था और उसमें हमने देखा इन्वेजिव स्पीशीज़ वर्सेस एक्जोटिक स्पीशीज़ दोनों में डिफरेंस और इन्वेजिव स्पीशीज़ का हमने हिंदी में भी आर्टिकल देखा इसीलिए रिवाइज़ रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ इन्वेज़न हुआ है नॉन नेटिव स्पीशीज़ का तो जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो स्ट्रेस में आ गई उनकी पॉपुलेशन कम होने लग गई ये बात है वेस्टर्न हिमालय ये टोटल हिमालय ये ईस्टर्न हिमालय नॉर्थ ईस्ट तरफ वेस्टर्न हिमालय ये यहाँ पर तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक बर्ड स्पीशीज़ का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ जो नेचुरल आख डोमिनेटेड फॉरेस्ट था मॉडिफाइड फॉरेस्ट बन रहा है यहाँ पे और बिकॉज हैबिटेट लॉस हो रहा है तो उसके कारण स्पीशीज़ भी लॉस हो रहा है वुड पैकर यहाँ पे काफ़ी हैं और इसके अलावा अगर हम देखें तो टूरिज्म जैसी जो चीज़ें होती है एंथ्रोपोजेनिक उसके कारण क्या होता है कि ह्यूमंस आते हैं और ह्यूमंस अपने साथ कई बार स्पीशीज़ ले आते हैं रेसिडेंशियल एरिया हो गया तो वो वहाँ पे पेट्स ले आएंगे तो इससे जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे डिफ़िकल्टी में आ जाती है अब वुड पैकर की बात करें तो ये वुड पैकर होता है सी ये ऐसे वुड पैकर होता है कार्टून्स मूवीज़ में वुड पैकर काफ़ी दिखता है तो ये वुड पैकर है ये ऐसे कैविटी बनाता है और ये कैविटी जो होती है इसमें एज अ नेस्ट की तरह काम करती है फॉर अदर स्पीशीज सो वुड पैकर इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग अदर स्पीशीज टू गेट देयर होम तो इसी तरीके से इकोलॉजी बैलेंस होता है हम सब ना आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो डाइवर्सिटी भी ऐसे ही कुछ वर्क करती है अब इसमें एक चेन मिस हो गया वुड पैकर मिस हो गया तो जो डिपेंडेंट स्पीशीज थी उनको नेस्ट मिलना बंद हो जाएगा और फिर वो भी डिसअपियर हो जाएंगी सो दैट इज़ वाई ये डेलिकेट बैलेंस जो है डाइवर्सिटी का वो डिस्टर्ब नहीं करना है गिल्ड एक टर्म यूज़ हुआ है यहाँ पे हैबिटेड गिल्स आर ग्रुप ऑफ बर्ड स्पीशीज जिनकी कॉमन हैबिटेड प्रेफरेंसेज होती है तो उनको हैबिटेड गिल्स बोलते हैं देन ये आगे देखते हैं अवर इनहेरिटेंस फ्रॉम नियंडरथल अब सी बेसिकली हम सब दिस मंकी से ही आए हैं सारे इवॉल्व हैं एनिमल हैं हम बट हम थोड़ा इवोल्यूशन हो गया हमारा तो ये बताया है इनहेरिटेंस फ्रॉम नियंडरथल अब ह्यूमन का भी देखना ह्यूम कैसे ऐसे इवोल्व हुए हैं पहले हम एनिमल्स थे एनिमल्स के बाद ये मॉडर्न मैन आया मॉडर्न मैन के बाद फिर ग्रेजुअली हमने नई नई चीज़ें सीखी फायर सीखा फूड सीखा टायर सीखा दिस व्हील सीखा ऐसे करके सिविलाइजेशन आगे प्रोग्रेस हुआ है तो ये एक लिंकेजेस यहाँ पे दिया हुआ है डू वर्म्स हैव एन इम्यून सिस्टम येस दे डू हैव अ इम्यून सिस्टम बट वो ऐसा इवॉल्व नहीं है बट एक सर्टन डिग्री का इम्यून सिस्टम है तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एफ ए क्यू का पहला है सैरो सर्वे लर्निंग सैरो सर्वे में क्या होता है मास जो पॉपुलेशन है उसमें देखते हैं एंटीबॉडी लेवल क्या है एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा है तो ये इनडायरेक्टली इन्फर किया जाता है कि हो सकता है वो वायरस के दिस कॉन्टेक्ट में आए हैं बट अभी सैरो सर्वे को अवॉइड कर रहे हैं वाई बिकॉज पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन भी काफ़ी हो रहा है वैक्सीनेशन होने के कारण वैसे ही एंटीबॉडी ज़्यादा होती है तो क्लियर रिजल्ट नहीं आ पाएंगे दूसरा रीज़न ये है कि अपने पास अभी टाइम नहीं है अपने जितने भी स्टाफ है वो सब अभी बिजी हैं कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए तो सैरो सर्वे अभी हम प्रायोरिटी में नहीं है रिसोर्सेज नहीं है और एक वैक्सीनेशन इज रीज़न तो सैरो सर्वे लर्निंग दिस हेल्प्स बट राइट नो इट्स नॉट द टाइम सेंटर व्हाट्सएप टसल ओवर न्यू आई टी रूल्स सी सेंटर एंड व्हाट्सएप टसल ओवर न्यू आई टी रूल्स ये लड़ाई चल रही है नए आई टी रूल्स जो पिछले एक हफ्ते में हमने देखे काफ़ी अच्छे थे उनको भी आप रिवाइज करो दीज आर्टिकल्स यहाँ इन कंटिन्यूशन में ही ये बताया है कि व्हाट्सएप ने उसे चैलेंज किया फोकस किया है एन टू एंड एनक्रिप्शन में मतलब ए ने मैसेज भेजा वो बी को मिलेगा बट ए ने फेक मैसेज भेजा था तो वो देखने के लिए मैसेज पढ़ना पड़ेगा मैसेज पढ़ना पड़ेगा मतलब बीच में उसको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा तो फिर राइट टू प्राइवेसी कहाँ गया स्वामी केस आ जाएगा इस बात पे पूरी ये डिबेट है यहाँ पे सेंटर व्हाट्सएप ओवर न्यू आईटी रूल राइट टू प्राइवेसी वर्सेस दिस गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी की फेक न्यूज जैसे जो मॉन्स्टर्स हैं इसको हम कर्ब करें सेकेंड ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये भी जो लॉज होते हैं ना इसके लूप होल्स में खेलती है तो यहाँ कुछ भी ऐसा क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनीज में क्लियर कट लॉज होने चाहिए और लॉज जो होने चाहिए वो फेवर करना चाहिए ऑर्डिनरी पीपल को प्रोबिंग द ओरिजिन ऑफ द सा कोव टू वायरस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जूनोटिक स्पिल का जो हाइपोथिस है इज दिस ट्रू जूनोटिक क्या होता है जब कोई डिसीज एनिमल से ह्यूमन में जंप कर जाती है तो वो कहलाती है जूनोटिक डिसीज़ ये जो सार्स फैमिली के होते हैं ना वायरसेस ये मोस्टली जूनोटिक होते हैं बट एक थ्योरी ये भी है कि वुहान जो लैब है वहाँ पे चाइना ये वायरस की एक बड़ी लैब है यहाँ पे वो ऐसे बहुत सारे वायरसेस बनाते हैं ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं ये जो सार्स कोव टू है ये एक वुहान लैब से निकला हुआ एक मैन मेड वायरस है ऐसा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है इस पर क्लियर अभी कमेंट नहीं देंगे बट इस पर अभी ओरिजिन प्रोब होना ज़रूरी है बिटवीन द सी एंड अ हार्ड प्लेस अपसी ये जैसे दिख रहा है ना ये होते हैं कोरल आइलैंड्स ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो मिल बने हैं लक्षद्वीप कुछ ही दिन पहले हमने हिंदी आर्टिकल भी देखा दूसरे आर्टिकल्स भी देखे सो so, दिस इज़ लक्षद्वीप अब ये जो मैटर है ना ये थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो रहा है तो इस पर अभी डिवेल्प नहीं करना है हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ हमें देखना है वो ये देखना है यहाँ की जोग्राफी यहाँ का कल्चर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये यूटी है तो यूटी को गारंटी दी जाती है कि उसका डिस्टिंक्ट इथोज जो है डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाएगा तो क्या अगर इसका नेचर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो जाएगा सेकेंड हम इसको बनाना चाहते हैं मालदीव्स की तरह टूरिज्म दिस हब बट इकोलॉजी फ्रेजाइल है तो वहाँ पे भी बैलेंस देखना जरूरी है अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम ब्रिटिश पहले यहाँ पे भी थे सेपरेट कलेक्टोरेट बनाया मालाबार का लक्का और मैंगलोर का अमिन दीवी नाइनटीन तक ये कंटिन्यू हुआ फिर 73 में लक्षद्वीप बन गए यहाँ पे पंचायत भी है पंचायत में भी पावर डिवेल्युएशन करना ज़रूरी है पावर यहाँ पे दिस ट्रांसफर पंचायत लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी है थर्टी सिक्स टोटल आइलैंड्स हैं दस हैबिटेबल हैं और लगून हैं यहाँ पे ऐसे करके फोर थाउजेंड टू हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सो व्हाट इज दिस दिस इज लक्षद्वीप व्हाट इज लक्षद्वीप लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स हैं थर्टी सिक्स इन नंबर और ये एक यूनियन टेरेटोरी ऑफ इंडिया है यू टी यहाँ डेवलपमेंट नेसेसरी है बट डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल जो लोकल कस्टम्स हैं लोकल बिलीफ है लोकल इथोज है, है उसको रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है देन दिस इज़ प्लग्ड फ्रॉम द स्काई दिस इज द पर्सन ये एक्टिविस्ट है और काफ़ी क्रिटिकल थे ये लुकाशेंको गवर्नमेंट के लिए इज ओनली ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड बेलारूस तो एक प्लेन से ये फ्लाई कर रहा था और वो प्लेन क्रॉस कर रहा था एयर स्पेस ऑफ बेलारूस तो बेलारुस के जो हैं चीफ लुकाशेंको उन्होंने फाइटर जेट्स बोले और इस प्लेन को लैंड करा दिया और इस पर्सन को अरेस्ट कर दिया दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज इस बात पे अब देखिए क्या होता है लेट्स ये चीफ इन्वेस्टिगेटर है मिस्टर सुबोध कुमार जयसवाल जी ये हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस ऐसे करके इनके पास काफी चैलेंजेस होंगे ही इज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर पुलिस पुलिस में ना आई टेल यू बहुत सारे जो होते हैं ना कैंडिडेट्स वो पहला प्रायोरिटी से आई को दिया दूसरा प्रायोरिटी फॉरन सर्विसेस आई को दे दिया पुलिस कई बार यूजली टॉप थ्री में भी नहीं आता है इसका रीज़न ये नहीं है कि जॉब इज नॉट गुड इट इज़ अ क्लास वन जॉब वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल एडवेंचरस एंड दिस इज रियली गुड बट ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब भी होता है ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल जॉब यूजली जो नौकरी होती है ऑफिस आवर्स होते हैं कि नौ से पाँच हमें काम करना है पुलिस में ऐसा नहीं होता पुलिस मतलब ट्वेंटी फोर आवर जॉब होता है तो अगर पुलिस का आप प्रायोरिटी है इंटरेस्ट है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पुलिस का वर्किंग स्टाइल क्या होता है पुलिस मतलब मूवी जैसा नहीं होता जो रियलिटी होती है वो काफ़ी डिफिट डिफरेंट होती है तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग तो जिसमें आपकी चॉइस हो ना उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस लेने होते हैं जैसे मेरा एक फ्रेंड है उसकी टॉप फिफ्टी में रैंक था बट उसने ए नहीं लिया उसने फॉरन सर्विसेज लिया बिकॉज उसको फॉरन सर्विसेज में ही इंटरेस्ट था तो इट हैपन्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आईपीएस को आई से ऊपर रखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी आईपीएस होती है कुछ लोगों को आईआरएस ज्यादा पसंद आता है तो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस इंडस्ट्री ऑफ जीएसटी रिलैक्सेशन बैडली हिट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कंप्लीट वेवर का लेट फी फॉर पैंडमिक हिट मंथ्स पैंडमिक ने बहुत डिस्ट्रेस क्रिएट किया है सेकेंड वेव सीज लोन फॉर मिलेनियल्स राइजिंग ट्वेंटी परसेंट लॉकडाउन ने चेंज किया कस्टमर के हॉलिडे पैटर्न बजरंग पुनिया टू ट्रेन इन रशिया बीसीसीआई ने बोला है आईपीएल रिज्यूम होगा अब यूएई में बिकॉज कोविड के कारण ये सेशन ट्रंकेट हो गया था नडाल इस चेसिंग रिकॉर्ड ट्वेंटी फर्स्ट मेजर अभी इक्वल है फेडरर भी बीस नडाल भी बीस हिस्ट्री पैकंस ट्वेंटी फर्स्ट मैन सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल सी जोकोविक भी अभी रेस में है अट्ठारह जोकोविक के भी हो गए और यहाँ नाउमी ओसाका भी है सो दिस इज द हिंदू अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल हिंदी आर्टिकल में हम पढ़ते हैं विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में ओके विनायक दामोदर सावरकर जी आपका योगदान देखें तो आपका जन्म हुआ था अट्ठाईस मई पे अभी कली. कल ही कल परसों ही हमने यहाँ पे जन्म दिवस मनाया एटीन एटी थ्री को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भागुर शहर में हुआ था विदेशी वस्तुओं के विरोधी थे स्वदेशी आपका विचार था स्वदेशी 1905 में अपने दशहरे पे जब हम दहन करते हैं तो अपने विदेशी सामानों को भी अलाव में जला दिया प्रोटेस्ट के लिए कि इंडिया इज फॉर इंडियंस लाइक स्वदेशी समाज सुधार में आपने काफ़ी काम किया नास्तिकता तार्किक मतलब लॉजिकल होना चाहिए आप उसको समर्थन करते थे जो रूढ़ीवादी विचार जो थे उसका आपने खंडन किया संगठन देखें तो आप हिंदू महासभा में भी आपने यहाँ पे काम किया फिर अभिनव भारत समाज अभिनव भारत समाज इस पर सवाल आया है पुणे में अभिनव भारत समाज नामक संगठन की स्थापना की लोकमान्य तिलक जी भी थे उनकी पार्टी की आपने सदस्यता ग्रहण की और देशभक्ति गतिविधियाँ ऐसे की तो ब्रिटिश नाराज़ हो गए बीए डिग्री आपने वापस कर दी फिर आपने बनाया फ्री इंडिया सोसाइटी फ्री इंडिया सोसाइटी इसमें आपने भारतीयता को आगे करने की प्रयास किया 1899 में नासिक में क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला की भी शुरुआत की तो आपने मित्र मेला फ्री इंडियन सोसाइटी अभिनव भारत समाज और हिंदू महासभा इन सब में आपने काम किया इन सब संगठनों से आपका जुड़ाव था आपकी एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो 1857 से हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं स्ट्री 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 ना तो उसमें ये डिबेट्स होता है कि क्या ये सिपाही विद्रोह था या फिर ये एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था तो सावरकर जी ने बोला था हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ़ इंडियन इंडिपेंडेंस में कि दिस वॉज फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऐसे करके हमने प्रजेंट किया ये पुस्तक प्रतिबंधित थी फिर मैडम भीकाजी कामा ने नीदरलैंड जर्मन फ्रांस में इस पुस्तक को प्रकाशित किया तो आपने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है विनायक दामोदर सावरकर जी अब ये है हमारी ट्रेंस सी सेट के क्वेश्चन हैं दो किलोमीटर पर आवर है जब भी के एम पी एच दिया है मीटर पर सेकेंड में करना है तो फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करना है लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है स्पीड दिया हुआ है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले में डालना है यू विल गेट दी आंसर सेकेंड इसमें दो चीज़ फाइंड करनी थी एक तो टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल दोनों ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है हमें तो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ बिकॉज अगर खंभा होता है इंसान होता है तो उसकी ब्रेथ हम काउंट नहीं करते बट प्लेटफॉर्म होता है ब्रिज होता है तो उसकी ब्रेथ को हम काउंट करते हैं तो यहाँ हमें बताना है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो पहले जो दो ट्रेन है उसको हम देख लेते हैं पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन एक्स थी दूसरे ट्रेन की एक्स बाई टू थी तो जो दोनों ट्रेन क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ कितना क्रॉस होगा थ्री एक्स बाय टू पहले ट्रेन की स्पीड फोर्टी एट है दूसरे की फोर्टी टू है आमने सामने आ रहा है ऐड हो जाएगा तो नाइन्टी किलोमीटर पर आवर है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पच्चीस मीटर पर सेकेंड अब ये टोटल डिस्टेंस है दोनों ट्रेन मिला के ये दोनों ट्रेन की टोटल स्पीड है तो टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन दिस स्पीड 12 गया हुआ है यहाँ पे 12 सेकंड में क्रॉस होती है तो इससे आ जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज़ 200 मीटर एक ट्रेन 200 मीटर की है और दूसरी 200 सौ बाई टू मतलब 100 मीटर की है अब पहली ट्रेन का केस देखते हैं उसकी स्पीड 48 है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर y है और ट्रेन की लेंथ दी हुई है x तो टोटल तो डिस्टेंस कितनी होगी टू हंड्रेड और ये आपकी स्पीड दी हुई है तो आप इससे डिस्टेंस दिस वाई कैलकुलेट कर लेंगे 45 फाइव सेकेंड यहाँ पे ये भी गया हुआ है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 45 फाइव सेकेंड लग रहे हैं सो बाई दिस यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ वाई विच इज फोर हंड्रेड मीटर तीसरा और आसान था रेलेटिव स्पीड निकालनी थी रेलेटिव एक डायरेक्शन में जा रहे हैं सिक्सटी थ्री माइनस थ्री फिफ्टी टाइम टेकन दिस फाइव हंड्रेड अपॉन थ्री दिस मल्टीप्लाई बाय थ्री फिफ्टी जब ऐसे फिफ्टी बाय थ्री होता है ना ऊपर करेंगे तो थ्री बाय फिफ्टी हो जाता है तो दिस इज थर्टी सेकेंड सो दिस इज दिस प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करते हैं ना सी सेट उतना होता है और बहुत ज्यादा बेसिक्स बेसिक्स भी नहीं करना है वरना आप हमेशा बेसिक्स में ही रह के रह जाओगे जो प्रश्न होंगे उनका कई बार अच्छा खासा लेवल भी आता है तो ग्रेजुअली लेवल अप 500 मीटर रेस है रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द टू कॉन्टेस्टेंट ए एंड बी थ्री फोर है ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर तो ए विंस कितने मीटर से करेगा बी को आंसर एक हंड्रेड मीटर रेस है ए बीट्स बी बाय टेन मीटर सी को तेरह मीटर से इन अ रेस ऑफ एटी मीटर बी विल बीट सी बाय हाउ मच मीटर आंसर तीन सौ मीटर की रेस है ए बीट्स बी ट्वेंटी या फिर छह सेकेंड्स बीज टाइम ओवर द कोर्स कितना है बी ने रेस कितने टाइम पे कंप्लीट की थर्ड क्वेश्चन सो दीज आर क्वेश्चन फॉर टूडे इनको आप सॉल्व करिए कल आई विल टेल आंसर सो दिस इज सी सेट दिस इज सावरकर जी ये बात है चीफ इन्वेस्टिगेटर हिस्ट्री बैकन्स देखते हैं फ्रेंच ओपन में क्या होता है दिस इज लक्षद्वीप दिस इज नियरथल्स ये है कैविटी और वेस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी और ये है पी एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन दिस इज वैक्सीनेशन आई आई टी हैदराबाद और ये प्रश्न हमें आज अच्छे से बनाना है मैनग्रूव इको सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई एल्डिंग टॉपिक So this is 30th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.